एज यूजुअल डबिंग के बारे में कुछ टिप्स शेयर करना चाहूंगा। हम जब भी डबिंग स्टार्ट करते हैं या डबिंग के फील्ड में आने की कोशिश करते हैं, इट्स वेरी सिंपल स्टेप्स कि आप ऑब्जर्व कीजिए, सीखिए। दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप स्टूडियो जाकर ऑडिशंस देकर ये पता कीजिए कि आप कौन से लेवल पे है डबिंग के, आपके अंदर कैलिबर कितना है, कितना स्ट्रेंथ है, कितना एनर्जी है, कितना कैचिंग पावर है। दो चार बार रिजेक्ट हो जाने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आपको किस तरीके से डबिंग स्टार्ट करना है। शुरुआती होती है क्राउड डबिंग से और फिर वन टू लाइनर्स, उसके बाद इंसिडेंटल कैरेक्टर्स, छोटे मोटे कैरेक्टर्स हम करते हैं, उसके बाद हम टारगेट करते हैं कुछ अच्छे कैरेक्टर्स करें। तो ये एक स्टेप है। तो अगर स्टेप बाय स्टेप आप इस फील्ड में को समझेंगे, इस फील्ड को, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरी आवाज बहुत अच्छी है, आई हैव अ डीप वॉइस, आई हैव अ वंडरफुल वॉइस, बेस वॉइस है, खूबसूरत वॉइस है। आवाज अच्छी रहना एक एडवांटेज है, लेकिन आवाज के साथ स्पीड, टाइमिंग, स्टूडियो का टाइम बर्बाद ना हो, साउंड रिकॉर्डिस्ट आपके काम से खुश हो। क्योंकि अगर आपकी आवाज अच्छी है और अगर आप कहीं सेलेक्ट हो जाते हैं और आप वहां जाते हैं और जब आप माइक के सामने बैठते हैं और आप काफी वक्त ले रहे हैं वो छोटा सा काम करने के लिए, तो आपका पोटेंशियल उसी वक्त समझ में आ जाता है। इसीलिए आपको आपके स्पीड, आपके टाइमिंग, अपने प्रोनंसिएशन, अपने डिक्शन, अपने एक्सेंट, अपने वॉइस ऑफ एक्सप्रेशंस पे काम करना पड़ेगा। क्राउड डबिंग को एम्बियंस कहा जाता है, जहां पे एक स्टूडियो के अंदर 10-15 लोग बैठकर मार्केट, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, मॉल, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, इसके वॉइसेस देते हैं। तो वो स्टेप आपका पहला स्टेप होगा जिससे आपको पता लगेगा कि किस तरह क्राउड डबिंग किया जाता है। आप घुल मिल जाओगे, आप ओपन हो जाओगे, आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे। कीप इन टच एंड डू नॉट गिव अप। बाय।